चलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण नंबर 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 2 में आप स्वाध्याय 2.1 में प्रश्न नंबर 5 पहुंचा था। प्रश्न नंबर कितना पहुंचा था? 5 पहुंचा था। आप लखीए प्रश्न नंबर 5 शू आपेलू रकम वाचो। नीचे आपेली बहुपदीओ ने सुरेख द्विघात के त्रिघात बहुपदी में वर्गीकृत करो। शू नीचे आपेली बहुपदीओ ने सुरेख सुरेख बहुपदी से त्रिघात बहुपदी से कि त्रिघात बहुपदी से वर्गीकृत करवा है। पहलो दाखलो जो शूँ आपेलू है, आम पहले दाखिल में एक्स नो वर्ग प्लस एक्स एक्स नो वर्ग प्लस एक्स तमने कीधु शू आपेली बहुपदी सुरेख से द्विघात है कि त्रिघात है ये जोवानुं छे। तमे वर्गीकृत करवा में तमारे जोवानुं छे एक्स की घात जोवानी। एक्स की सौथी मोटी घात केटली छे? अहींया 2 छे। तो आपेल बहुपदी केवी होय? द्विघात बहुपदी होय। तो नीचे लखी नाखवानुं आपेल बहुपदी शू आपेल बहुपदी केवी छे? द्विघात बहुपदी छे। आपेल बहुपदी द्विघात बहुपदी छे। बीजो दाखलो जो बीजा में शूँ आपेलू जो एक्स माइनस एक्स नो घन एक्स माइनस एक्स नो घन एक्स माइनस एक्स नो घन में जो तो एक्स की सौथी मोटी घात के आपेली है? त्रण आपेली है। त्रण है ना जो एक्स की घात त्रण घात है। तो शू आपेल बहुपदी के त्रिघात बहुपदी है? तो लखी नाखवानुं आपेल बहुपदी केवी छे? त्रिघात बहुपदी छे। त्रिघात बहुपदी छे। त्रीजो जोईए शू आपेलू जो एमां त्रीजा दाखलामां वाय प्लस वाय नो वर्ग प्लस चार वाय प्लस वाय नो वर्ग प्लस चार वाय प्लस वाय नो वर्ग प्लस चार वाय ने सौथी मोटी घात केटली छे? 2 आपेली छे। तो आपेल बहुपदी केवी बहुपदी कहेवाय? त्रिघात बहुपदी कहेवाय। तो नीचे लखी नाखवानुं आपेल बहुपदी आपेल बहुपदी केवी छे? द्विघात बहुपदी छे। पेल बहुपदी द्विघात बहुपदी छे। चौथो दाखलो जो शूँ आपेलू छे एमां वन प्लस एक्स एक्स की केटली घात छे? एक्स की काई घात नहीं घात ज नहीं आपेली काई ना हो तो एक्स की केटली घात आवे? एक घात आवे। एक्स की एक घात हो तो बहुपदी ने केवी बहुपदी कहेवाय? सुरेख बहुपदी कहेवाय के न कहेवाय? तो शू आवे आपेल बहुपदी कई बहुपदी छे? सुरेख बहुपदी छे। तो लखी नाखो अहीं आपेल बहुपदी सुरेख पेल बहुपदी सुरेख बहुपदी छे। जो पांचमो दाखलो जो छठो ने सातमो दाखलो जो ए तमने जोता आवड़ी जाए। पांचमो दाखला में शू है? थ्री टी टी की काई घात नहीं टी की एक एक पण घात न हो तो टी की केटली घात हो? एक घात हो। टी की एक घात एटले सुरेख बहुपदी। पछी पांचमो दाखलो आर नो वर्ग आर की केटली घात है? मोटा मोटी 2 घात। तो आपेल बहुपदी द्विघात बहुपदी। सातमो दाखलो सात एक्स नो घन एक्स की सौथी मोटी घात के आपेली है? त्रण आपेली है। एक्स की सौथी मोटी घात त्रण हो तो आपेल बहुपदी ने कई बहुपदी कहवाय? त्रिघात बहुपदी। ये तमने त्रणेय दाखला केम आपू छू? होमवर्क में पूछो तो तमे लखी नाखजो। होमवर्क में हाँ एमने खबर पड़ जाए तो तमे पाकी बुक में लखी नाखजो। चलो हवे आपणे थोड़ी थीअरी जोई लईए। हाँ स्वाध्याय 2.1 आपणुं पूरुं थाय छे। स्वाध्याय 2.1 की आपणी थीअरी आवशे। स्वाध्याय 2.2 नी थीअरी छे ई आपणे जोई। बहुपदीना शून्यो बहुपदीना शून्यो बहुपदीना शून्यो एटले शुं? बहुपदीना शून्यो एटले शुं? कोई धारो के बहुपदी आपेली हो बहुपदी आपेली हो पी ऑफ एक्स बराबर 0। आ बहुपदी आपेली है तमने पी ऑफ एक्स बराबर 0। पी ऑफ एक्स एटले शुं थयुं? बहुपदी थई। बहुपदीना शून्यो एटले पी ऑफ एक्सना शून्यो शून्य एटले थाय शुं? पहेला तो शून्य एटले एक्स की किंमत। शू शून्य एटले एक्स की किंमत। तो एनी व्याख्या शुं आवे? जो कोई वास्तविक संख्या एक्स माटे एटले एक्स कोई वास्तविक संख्या कोईपण संख्या लई शको एक्स माटे पी ऑफ एक्स बराबर 0 थाय तो एक्स ने बहुपदी शूँ कहवाय? शून्य कहवाय। तमने रकम में एम कीधु होय एक रकम आपी दीधी होय कोईपण रकम एक्स नो वर्ग प्लस 3 एक्स प्लस 2 के कोईपण आपी दीधी होने एम कीधु आ बहुपदी शून्य मेळो तो तमारे शूँ करवानुं? सौ प्रथम आपेल बहुपदी बराबर शूँ लई लेवाना? 0 लई लेवाना। बहुपदी बराबर 0 लई लो। बहुपदी बराबर 0 लईने पछी तमे नीचे गणतरी करता जाओ छेले जी एक्स की किंमत मळे एक्स की किंमत ने शूँ कहवाय? बहुपदीनू शून्य। आपणी व्याख्या लखी अहींया जो कोई वास्तविक संख्या एक्स माटे पी ऑफ एक्स बराबर 0 होय 0 होय तो ते बहुपदी
तो ते एक्स ने बहुपदीनु शू कहवाय शून्य कहवाय बहुपदीनु शून्य कहे छे। એટલે તમારે કરવાનું શું કરવાનું કાંઈ નહીં ખાલી એટલું કરવાનું તમારે બહુપદીનું શૂન્ય કીધું હોય તમને એટલે બહુપદીના શૂન્ય માટે તમારે આપેલ બહુપદી આપેલી છે પી ઓફ એક્સ બરાબર ઝીરો લઈ લેવાના બહુપદી પી ઓફ એક્સ બરાબર ઝીરો લઈ લીધા પછી શું કરવાનું એક્સની કિંમત મેળવી લેવાની એ જે એક્સની કિંમત મળે એને શું કહેવાય બહુપદીનું શૂન્ય કહેવાય। હવે જો આપણે આગળ સ્વાધ્યાય 2.2 જોઈએ સ્વાધ્યાય 2.2 આ એક જ તમારો વ્યાખ્યાથી સમજવા જેવું બાકી તો બધું આવેલું છે। સ્વાધ્યાય 2.2 સ્વાધ્યાય 2.2 બેમાં પ્રશ્ન નંબર 1 જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 1 શું આપેલું છે એક્સની નીચેની કિંમતો માટે 5x-4x² + 3 બહુપદીનું શૂન્ય શોધો। બહુપદી કઈ આપેલી છે તમને પી ઓફ એક્સ બરાબર પી ઓફ એક્સ બરાબર કેટલા આપેલા છે 5x-4x² + 3 5x-4x² + 3 હવે કીધું શું બહુપદીનું મૂલ્ય મેળવવાનું છે તેમાં પહેલાં કેટલા આપેલા છે જો x = 0 આપેલા છે ને સ્વાધ્યાય 2.2 x = 0 હવે આ બહુપદી આપેલી છે પી ઓફ એક્સ બરાબર 5x-4x² + 3 આમાં એક્સ જ્યાં દેખાય બહુપદીમાં x = 0 મૂકી દેવાનું એટલે તમારો શું આવી ગયો જવાબ આવી ગયો જ્યાં પણ એક્સ દેખાય બહુપદીમાં x = 0 મૂકી દેવાનું તો શું આવે જો પી ઓફ એક્સ બરાબર 5x-4x² + 3 તો પી ઓફ 0 એક્સ દેખાય અહીંયા 0 મૂકો 5x-0-4x + 3 5×0 = 0 0² = 0 0 સાથે કોઈ પણ સંખ્યાનો ગુણાકાર એટલે જવાબ 0 + 3 તો જવાબ કેટલો આવ્યો 3 આવ્યો। બીજો દાખલો જોઈએ ચાલો બીજો દાખલો શું હતો જોવો બીજા દાખલામાં શું હતું x = -1 x = -1 પી ઓફ એક્સ બરાબર કેટલા હતી બહુપદી 5x-4x² + 3 એક્સ દેખાય બહુપદીમાં જ્યાં પણ એક્સ દેખાય ત્યાં -1 મૂકી દો 5x·-1-4 એક્સની જગ્યાએ શું મૂકવાનું -1² + 3 5×-1 એટલે -5 -1² કેટલો થયો કોઈ પણ સંખ્યાનો વર્ગ અહીંયા વર્ગ આવે 2^4 બેકી ઘાત આપેલી હોય એટલે જવાબ હંમેશા પ્લસમાં જ આવે -1² એક જ થાય +3 -5 4×1 = 4 તો -4 + 3 -5-4 કેટલા આવે -5-4 કેટલા આવે -9 + 3 -9 + 3 એટલે -6 9માંથી 3 બાદ કરો તો 6 મોટા પદની નિશાની માઇનસ મળી ગયું। ત્રીજો જવાબ શું આપેલો છે x = 2 કેટલા છે x = 2 બહુપદી આપણને રકમમાં કઈ આપેલી છે એક જ આપેલી છે આ 5x-4x² + 3 એક્સ દેખાય જ્યાં પણ અહીંયા 2 મૂકી દો એક્સ દેખાય અહીંયા 2 મૂકવા જ માંડો એક્સ દેખાય જ્યાં પણ દેખાય 5×2 = 10 -4m 2નો વર્ગ કેટલો થાય 4 + 3 = 10 તો એમનો 4×4 ચોકો ચોકો કેટલા થાય 16 થાય ચોકે ચોકે -16 + 3 તો અહીંયા હતા જ ચાલો હવે શું કરવાનું આપણે 10માંથી 16 બાદ કરો તો કેટલા આવે -6 આવે +3 -6 + 3 3 મોટા પદની નિશાની માઇનસ તો શું જવાબ આવ્યો -3 છે બધા દાખલા કાંઈ કરવા નથી તમને એક બહુપદી આપેલી છે રકમમાં અને બહુપદી પરથી તમને શું કરવાનું x = 0 x = -1 અને x = 2 છે બહુપદીમાં જ્યાં પણ એક્સની કિંમત દેખાય ત્યાં તમારે x = 0 મૂકવાના x = -1 મૂકવાના અને x = શું મૂકવાના 2 મૂકવાના એટલે બહુપદીનું શું મળી જાય તમને મૂલ્ય મળી જાય। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2 શું આપેલો છે નીચે આપેલ દરેક બહુપદી માટે પી ઓફ 0 પી ઓફ 1 અને પી ઓફ 2 શોધો શું કરવાનું છે
दरेक बहुपदी आपेली है पी ऑफ पहली बहुपदी रही अपने जो आना जो दाखिल है पर थोड़ूक अलग आशे पी ऑफ वाई बराबर के आपेला है वाई नो वर्ग माइनस वाई प्लस वन वाई नो वर्ग माइनस वाई प्लस वन रकम शू कीधी नीचे आपेल दरेक बहुपदी मैं पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू शोधो दरेक बहुपदी मे दरेक बहुपदी मे पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू शोधो पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू मेलवो तो शू आ जो पी ऑफ जीरो एट ज्या तक वाई देखाई जाए शू मूकवा जीरो मूकवा पी ऑफ वन एट ज्यां वाई देखाई जाए शू मूकवा एक मूकवा पी ऑफ टू एट ज्यां वाई देखाई जाए शू मूकवा बे मूकवा तो आप पी ऑफ जीरो मेड़ी लीए चलो काउंस अंदर अँ वाई है तो वाई की जगह क्या आपेला जीरो आपेला तो ज्यां वाई देखाई जाए जीरो मूकी दियो तो जीरो नो वर्ग माइनस जीरो प्लस वन तो एम नम जीरो नो वर्ग जीरो माइनस जीरो जीरो माइनस जीरो एट जीरो प्लस वन तो पी ऑफ जीरो के गया वन आ गया हम तमने बीजू शू कीधु पी ऑफ वन मेलवो पी ऑफ वन एट बहुपदी में ज्यां वाई देखाई जाए के मूकवा एक मूकवा वाई देखाई जाए एक मूको एक नो वर्ग माइनस एक प्लस एक शू आए एक नो वर्ग एक माइनस एक प्लस एक केटला एक माइनस एक जीरो केटला वध्या एक वध्या सीम्पल से पी ऑफ टू एटले पी ऑफ टू चलो ज्या पण वाई देखाय त्यां केटला मूकवाना बे मूकी देवाना शू ज्या पण तमने आमां वाई देखाय त्यां केटला मूकी देवाना बे मूकवाना वाई नी जग्याए बे नो वर्ग माइनस बे प्लस वन बे नो वर्ग माइनस बे प्लस वन चलो बीजू शू आए आम आए बे नो वर्ग चार माइनस बे प्लस वन चार माथी बे बात करो तो बे प्लस वन तो हता ज बे प्लस वन एटले त्रण तो पी ऑफ टू केटला आवी गया त्रण आवी गया आज प्रकारना बधे बधा दाखला करवाना छे पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन और पी ऑफ टू की किंमत खाली मेळवानी छे अने दर वक्ते अलग अलग बहुपदी आपेली छे चलो बीजो दाखलो जोईए बीजो दाखलो शू छे पी ऑफ टी बराबर पी ऑफ टी बराबर टू प्लस टी प्लस टू टी नो वर्ग माइनस टी नो घन प्लस टू टी नो वर्ग माइनस टी नो घन हवे शू करवानुं जोवामां शू पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन अने पी ऑफ टू मेळवाना छे तमारे पी ऑफ जीरो मेळववा माटे ज्यां पण टी देखाय चल टी शू है चल से ज्या पण टी देखाय त्यां जीरो मूकी दियो टू प्लस जीरो प्लस टू टी देखाय त्यां जीरो माइनस जीरो जीरो नो घन तो हतो ज ओके टू प्लस जीरो जीरो साथे कोईपण संख्या गुणाकार में जवाब जीरो माइनस जीरो नो घन जीरो केटला जवाब आव्यो बे आव्यो पी ऑफ जीरो मळी गयो पी ऑफ वन मेळवो पी ऑफ वन एटले ज्यां पण तमने समीकरण में टी देखाय त्यां केटला मूकवाना एक मूकी देवाना टी देखाय त्यां केटला मूको एक मूको तो चलो टू प्लस टी देखाय त्यां एक प्लस टू एक नो वर्ग माइनस एक नो घन बे प्लस वन एटले त्रण प्लस एक नो वर्ग एक बे गुणिया एक एटले बे माइनस एक नो घन एक त्रण ने बे पांच पांच माइनस एक एटले केटलो जवाब आए चार जवाब आए पी ऑफ वन की किंमत मिली गई हवे पी ऑफ टू की किंमत पी ऑफ टू एटले ज्यां पण समीकरण में तमने टी देखाय त्यां केटला मूकवाना बे मूकवाना बे मूकीए चलो टू प्लस टी देखाय त्यां बे प्लस टू टी नी जग्याए बे बे नो वर्ग माइनस बे नो घन बे प्लस बे चार प्लस बे बे नो वर्ग केटलो चार माइनस बे नो घन आठ चार प्लस चार दू ने आठ माइनस आठ प्लस आठ माइनस आठ कैंसिल जवाब केटलो आवे चार जवाब आए पी ऑफ टू मिली गयो हवे जो पहेलो दाखलो बीजो दाखलो बधा आज रीतना दाखला करवाना छे त्रीजो दाखलो अने चौथो दाखलो हूँ तमने होमवर्क में आपू छू साव सहेलो दाखलो छे त्रीजो अने चौथो दाखलो ज्यां पण तमने जो त्रीजा दाखला में एक्स देखाय त्यां जीरो मूकवाना एटले पी ऑफ जीरो की किंमत मळशे पछी पी ऑफ वन माटे ज्यां पण एक्स देखाय त्यां वन मूको एटले पी ऑफ वन की किंमत मळे पछी पी ऑफ टू की किंमत मेळववा माटे
જ્યાં પણ x દેખાય જાય કેટલા મૂકવાના 2 મૂકવાના એટલે p ઓફ 2 ની કિંમત મળે એ જ રીતના ચોથે ચોથો દાખલો પણ કરવાનો છે એટલે ત્રીજો દાખલો અને ચોથો દાખલો તમને કેમ આપું છું હોમવર્ક માં આપું છું ચાલો પ્રશ્ન નંબર 3 જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 પ્રશ્ન નંબર 3 માં શું આપેલું જોવો તો નીચેની બહુપદીની સામે દર્શાવે x ની કિંમત હોય આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે કે નહીં તે ચકાસો શું કીધું નીચેની બહુપદી એટલે નીચે તમને બહુપદી આપેલી છે જો કેટલી 7 કા 8 આપેલી છે બહુપદી સામે x ની કિંમતો આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે કે નહીં તે ચકાસો એટલે શું આ બહુપદી છે એના શૂન્ય થાય છે કે શૂન્ય નથી થતા તે ચકાસવાનું છે તો પહેલો દાખલો જોઈએ શું આપેલો રકમ જોવો તો P of x बराबर कितना आपेला छे 3x प्लस 1 बाजू में शूँ आपेलू x बराबर माइनस एकना छेद में त्रण आपेलू छे आम हवे शूँ करवानु जो तो रकम वाचो फरी थी नीचे नी बहुपदी सामे x नी किंमत आपेल छे x नी आ बहुपदी आपेल छे एनी सामे कई x नी किंमत आपेल छे आ दरेक रकम आपेली हशे x ની કિંમત હોય આપેલ બહુપદીના શૂન્યો છે કે નહીં તે ચકાસો હવે જો x ની કિંમત ક્યાં આપેલી છે x ની કિંમત બરાબર માઇનસ 1/3 આપેલી છે હવે x ની કિંમત તમારે કેમાં મૂકવાની આપેલ બહુપદીમાં મૂકવાની x ની કિંમત જો આપેલ બહુપદીમાં મૂકો અને જવાબ કેટલો આવે 0 આવે જવાબ શું આવે 0 આવે તો x બરાબર માઇનસ 1/3 એ આપેલ બહુપદીનું શું થાય શૂન્ય થાય ફરીથી જો શું કીધું x ની કિંમત આપેલી છે તમને અને રકમમાં એમ કીધું છે x ની આ કિંમતે આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય થાય કે નહીં તો તે ચેક કરવા માટે શું કરવાનું જે પણ બહુપદી આપેલી હોય એ બહુપદીમાં x ની કિંમત મૂકી દેવાની x ની કિંમત મૂકતા તમને છેલ્લે સાદુરૂપ આપતો જો જવાબ 0 મળે શું જો જવાબ 0 મળે તો આપેલ બહુપદીનું શું થાય x એ આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય થાય અને જવાબ 0 ન મળે તો x છે x ની કિંમત આપેલી છે એ આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય થાય નહીં ચાલો આપણે બીજું જોઈએ પી ઓફ એક્સ બરાબર કેટલા આપેલા છે બહુપદી એટલે 3x + 1 એક્સ બરાબર કેટલા મૂકવાના છે માઇનસ 1/3 જ્યાં પણ એક્સ દેખાય ને માઇનસ 1/3 મૂકી દો એક્સ દેખાણા તો માઇનસ 1/3 મૂકી દીધા બરાબર તો અહીંયા પાસે એક્સ દેખાણા તો એક્સની જગ્યા માઇનસ 1/3 મૂકી દીધા પ્લસ 1 હવે જો 3 ઉડી જાય તો કેટલા વધે માઇનસ 1 વધે +1 -1 +1 ઉડી ગયા જવાબ કેટલો આવ્યો 0 આ બાજુ તો પી ઓફ માઇનસ 1/3 શું કીધું જવાબ કેટલો આવ્યો 0 મેં શું કીધું જો જવાબ 0 આવે તો આપેલ બહુપદીનું આ એક્સ બરાબર માઇનસ 1/3 આપેલ બહુપદીનું શું થાય શૂન્ય થાય તો નીચે લખી નાખવાનું એક્સ બરાબર માઇનસ 1/3 એ બહુપદી 3x + 1 શું થાય શૂન્ય થાય બીજો દાખલો જો આ જ રીતના છે બધા દાખલા બીજો દાખલો શું આપેલો છે પી ઓફ એક્સ બરાબર 5x - π એક્સ બરાબર કેટલા આપેલા છે 4/5 એક્સ બરાબર કેટલા છે 4/5 જ્યાં પણ એક્સ દેખાય ને કેટલા મૂકવાના 4/5 એક્સ દેખાણા 4/5 મૂકો 5 એક્સ દેખાણા 4/5 મૂકો માઇનસ પાય 5 કેન્સલ કેટલા વધે 4 વધે 4 - π જવાબ તો 0 ન આવ્યો શું આવ્યો જવાબ 0 આવ્યો ન આવ્યો ને તો એક્સ બરાબર 4/5 આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય થાય નહીં તો લખી નાખવાનું અહીંયા એક્સ બરાબર 4/5 એ બહુપદી પી ઓફ એક્સ બરાબર 5x - 5 શૂન્ય ન થાય કરવાનું શું તમારે એક્સ ની કિંમત આપેલ બહુપદીમાં મૂકી દેવાની અને જો જવાબ 0 આવે તો આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય થાય અને જો જવાબ 0 ન આવે તો આપેલ બહુપદીનું શૂન્ય થાય નહીં ત્રીજો દાખલો જુઓ ત્રીજો દાખલામાં શું આપેલું છે પી ઓફ એક્સ બરાબર x² - 1 એક્સ બરાબર કેટલા આપેલા છે એક્સ બરાબર એક અને -1 આપેલા છે x = 1 - 1 હવે જો અહીંયા શું કીધું તમને એક્સ ની કેટલી કિંમત છે એક્સ ની બે કિંમત છે તો બે કિંમત મૂકવાની પહેલા
एक आपेली है तो पहला एक मूको पीछे बीजी आपेली माइनस वन तो बीजी माइनस वन मूको। चलो अपने वराफरती करता जाइए पी ऑफ एक्स बराबर के आपेला है एक्स नो वर्ग माइनस वन एक्स ने कई किंमत है एक है तो पहला एक मूको ज्या पण एक्स देखाय त्यां एक मूकी दियो एक्स देखाणा एक मूको अहीं एक्स देखाणा एक नो वर्ग माइनस वन एक नो वर्ग एक माइनस वन तो होता बराबर जीरो एक माइनस एक जीरो तो पी एक शू एक किंमत होती तो पी ऑफ एक आपेल बहुपदी शून्य थे हवे कई बाकी रहे माइनस वन तो ज्यां पण एक्स देखाय त्यां माइनस वन मूको माइनस वन नो वर्ग माइनस वन। हवे शू कीधु जो माइनस वन नो वर्ग के माइनस वन नो वर्ग के एक थवानो छे ने अहींया भले माइनस वन रही पण एनी उपर जो बेकी घात होय ने तो जवाब हमेशा प्लस में ज आवे अहींया भले माइनस होय के प्लस अहींया बेकी घात एटले चार बे छ आठ दस होय ने बेकी घात तो जवाब हमेशा केवो आवे प्लस ज आवे एक नो वर्ग माइनस एक नो वर्ग के आवे एक माइनस एक बराबर जीरो थयुं ने जीरो एक माइनस एक बराबर जीरो तो माइनस वन शू थाय आपेल बहुपदी नुं शू थयुं शून्य थाय तो लखी नाखवानुं आथी एक्स बराबर वन अने माइनस वन ए आपेल बहुपदीना आपेल बहुपदीना शू थाय शून्य थाय। त्रीजो दाखलो थई गयो चालो चौथो दाखलो जो चौथो दाखलो शू आपेलो छे पी ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन अने एक्स माइनस टू शू एक्स प्लस वन अने एक्स माइनस टू एक्स बराबर केटला आपेला छे माइनस वन अने टू एक्स बराबर केटला माइनस वन अने टू पहला आपणे माइनस वन लईए ज्यां पण एक्स देखाय त्यां केटला मूकवाना माइनस वन जो एक्स देखाणा माइनस वन मूका एक्स देखाणा माइनस वन प्लस वन एक्स देखाणा माइनस वन माइनस टू तो होता ज हवे जो शू आवे जो माइनस वन प्लस वन शू माइनस वन प्लस वन कैंसल एट जवाब जीरो माइनस वन माइनस टू एट माइनस थ्री जीरो गुणिया कोईपण संख्या जवाब के जीरो जवाब के जवाब जीरो आयो तो माइनस वन शू थे आपेल बहुपदी शू थे शून्य थाय। हवे बे नो वारो ज्यां पण एक्स देखाय त्यां बे मूको एक्स देखाणा बे मूक्या बे प्लस त्रण अहीं पण एक्स देखाणा बे मूक्या बे माइनस बे बे प्लस त्रण केटला आवे पांच पांच बे माइनस बे जीरो जीरो साथ कोईपण संख्या गुणाकार जवाब के जीरो तो पी ऑफ टू बराबर पण केटला आवे जीरो आयो बे में जवाब के मळ्या जीरो मळ्या तो एक्स बराबर माइनस वन और एक्स बराबर टू आपेल बहुपदीना शू थया शून्य थया थया के न थया तो लखी नाखी आपणे एक्स बराबर माइनस वन और टू ए आपेल बहुपदीना आपेल बहुपदीना शून्य छे। चलो पांचमो दाखलो जो पांचमो दाखलो साव सहेलो छे पांचमो दाखलो तमे होमवर्क में करी नाखजो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स नो वर्ग एक्स बराबर जीरो छठो दाखलो कराव चलो पांचमो दाखलो होमवर्क में करी नाखजो तमे छठो दाखलो कयो छे पी ऑफ एक्स बराबर एल एक्स प्लस एम एल एक्स प्लस एम एक्स बराबर के आपेला है माइनस एम ना छेद में एल एक्स बराबर माइनस एम ना छेद में एल आपेला है जो ज्या पण एक्स देखाय त्यां केटला मूकवाना माइनस एम ना छेद में एल तो पी ऑफ एक्स देखाणा मूको माइनस एम ना छेद में एल बराबर एल एक्स देखाणा केटला मूको माइनस एम ना छेद में एल माइनस एम ना छेद में एल प्लस एम एल एल कैंसल तो वध्या केटला माइनस वन वधे माइनस एम प्लस एम माइनस एम प्लस एम उड़िया जवाब केटलो आवे जीरो आवे जो जवाब तमने जीरो मळे तो एक्स बराबर माइनस एम ना छेद में आपेल बहुपदी नु शू थाय शून्य थाय पी ऑफ माइनस एम ना छेद में एल तो नीचे लखी नाखवानु एक्स बराबर माइनस एम ना छेद में एल ए आपेल बहुपदी नु आपेल बहुपदी नु शू थाय शून्य थाय शून्य थाय। आज रीतना बधे बधा दाखला छे चलो आपणे सातमो दाखलो गणी आवे क्यों छे जो तो पी ऑफ एक्स बराबर पी ऑफ एक्स बराबर त्रण एक्स नो वर्ग माइनस वन त्रण एक्स नो वर्ग माइनस वन
एक्स बराबर कितना छे माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण और बे ना छेद में वर्गमूल में त्रण एक्स बराबर माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण और बे ना छेद में वर्गमूल में त्रण आपेला छे। जो पहला आपणे माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण नुं सादुरूप आपीए। चलो ज्यां पण एक्स देखाय त्यां केटला मूकवाना माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण पी ऑफ माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण त्रण एक्स देखाणो माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण और वर्ग माइनस वन त्रण तो होता ज। हवे जो माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण वर्ग शू आवे पहला कीधु शू तमने कोईपण संख्या में बेकी घात आए तो जवाब हमेशा कहो प्लस ज आए अँ भले माइनस लिया पर जवाब कहो आए प्लस ज आए। एक ना वर्ग एक वर्गमूल में त्रण वर्ग के वर्गमूल में त्रण हो वर्गमूल में त्रण एने गुणिया वर्गमूल में त्रण तो वर्गमूल में त्रण ना वर्ग थे वर्ग ने छापू उड़ी है तो शूँ थे जवाब के त्रण आए तो वर्गमूल में त्रण ना वर्ग त्रण माइनस तो होता ज त्रण त्रण कैंसल भागाकर में गुणाकर में तो के एक माइनस एक बराबर के जीरो तो शूँ थे जवाब के जीरो आयो तो माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण ये शूँ थे आपेल बहुपदी शून्य थे। बीजू लीए बीजू शू है बेना छेद में वर्गमूल में त्रण ज्या एक्स देखाय त्या के मूकवा बेना छेद में वर्गमूल में त्रण तो पी ऑफ बेना छेद में वर्गमूल में त्रण एक्स देखाय बेना छेद में वर्गमूल में त्रण मूको त्रण बेना छेद में वर्गमूल में त्रण एनो वर्ग माइनस वन त्रण बेनो वर्ग चार वर्गमूल में त्रण वर्ग केटलो आवे त्रण आवे तो चार ना छेद में त्रण माइनस वन त्रण त्रण उड़ी गया गुणाकार में भागाकार तो केटला वधे चार चार माइनस एक एटले केटला आवे त्रण पी ऑफ टू छेद में वर्गमूल में त्रण जवाब केटलो आव्यो जवाब त्रण आव्यो। मैं शूँ कीधु जो तमारो जवाब जीरो आए तो जे आपेल हजी एक्स की किंमत आपेल बहुपदी शून्य थे अँ तो जवाब आपणो केटलो आव्यो त्रण आव्यो जवाब त्रण आव्यो तो टू ना छेद में वर्गमूल में त्रण आपेल बहुपदी शून्य न थाय तो लखी नाखवानुं आथी एक्स बराबर टू ना छेद में वर्गमूल में त्रण ए बहुपदीनुं शून्य न थाय अने माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण बराबर जवाब जीरो आव्यो तो लखी नाखवानुं आथी एक्स बराबर माइनस एक ना छेद में वर्गमूल में त्रण ए बहुपदीनुं शू थाय बहुपदीनुं शून्य थाय बहुपदीनुं शून्य थाय। आज रीतना दाखला है छेल्लो दाखलो है ई तमारा होमवर्क में साव छेल्लो दाखलो तो छेल्लो दाखलो ई पण एमां जो पी ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन आपेला है पी ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन आपेला है पी ऑफ एक्स बराबर टू एक्स प्लस वन आपेला है एक्स बराबर के आपेला है एक छेद में बे एक्स ज्या पण एक्स देखाय एक छेद में बे मूकी दियो जो जवाब जीरो आए तो लखी नाखवानुं एक्स बराबर एक ना छेद में बे आपेल बहुपदीनुं शू थाय शून्य थाय अने जो जवाब जीरो न आए तो लखी नाखवानुं एक्स बराबर एक ना छेद में बे आपेल बहुपदीनुं शून्य न थाय। आज रीतना से बधे बधा दाखला तमारे होमवर्क में आपूँ छूँ दाखला होमवर्क में गणी नाखवानो छे। चलो आजनो वीडियो लेक्चर आपणे अहींया राखशुं अने आगळना वीडियो लेक्चर में प्रश्न नंबर चार थी आपणे आगळ वधीशुं। थैंक यू।